जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश शर्मा आपका स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों की समस्या सुनी है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ या इसका ऑप्शन मेरा सही नहीं आ रहा है, कौन सा ऑप्शन टिक होगा, तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे अभी हम देखेंगे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, कैलेंडर की पुनरावृत्ति को लेकर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक बात समझना, अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इस क्वेश्चन को मात्र में 10 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर क्या सभी क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, आपको ये देखना है। चलिए इस विषय में बात करने से पहले इस क्वेश्चन का बेसिक जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, बात वर्ष की हो रही कि वर्ष की पुनरावृत्ति कहाँ होगी, तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। और मैंने इस विषय पे दो वीडियो रखा है कि रिपीट कैलेंडर को लेकर दो वीडियो हैं, और पहला पार्ट अभी आज आपको करा रहे हैं, एक अगले पार्ट में कराएंगे, समझिएगा। जैसे वर्ष की बात करें, ईयर की बात करें, तो वर्ष होते हैं बेटा दो तरह के, वर्ष होते हैं हमारे दो तरह के। एक वर्ष होता है हमारा साधारण वर्ष, एक वर्ष होता है हमारा साधारण वर्ष, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और एक होता है हमारा अधिवर्ष, एक क्या होता है हमारा अधिवर्ष, और अधिवर्ष में जो हमारा वर्ष होगा उसे बोलते हैं हम लीप ईयर। अब इनकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा साधारण है और कौन सा अधिवर्ष है, तो बेटा आपको एक बात भली भांति पता होगी कि कैलेंडर में फरवरी महीना एक ऐसा होता है कि जो कभी 28 का और कभी 29 का, तो जहां पर फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 डेज होंगे, यानी फरवरी 28 की होगी, तो वर्ष क्या होगा, साधारण होगा। और जहां पर फरवरी में 29 दिन होंगे, 29 डेज होंगे, तो वो वर्ष क्या होगा, अधिवर्ष होगा। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो जो वर्ष पूरा पूरा चार से कट जाएगा वो अधिवर्ष होगा। जैसे समझिएगा कि वर्ष 2016 ये चार से पूरा पूरा कट जाएगा, वर्ष 2020 कट जाएगा, 2024, 2028 ये सभी वर्ष चार से पूरा पूरा कट सकते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, अधिवर्ष होंगे। यानी कि फरवरी जो होगी, फरवरी जो होगी वो कितने की होगी, 29 दिन की होगी, परंतु बेटा यहाँ पर फरवरी क्या होती है, साधारण में 28 दिन की। तो इसकी क्या पहचान है, जो चार से पूरा पूरा नहीं कटता है, यानी कि जो चार से पूरा पूरा नहीं कटता है वहाँ पर होगा साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं। जैसे कि 2017 ये चार से नहीं कटेगा बच्चे, क्योंकि रिमाइंडर आएगा 2018, 2019, 2021, ये सभी चार से नहीं कटते, तो ये क्या होंगे, हमारे साधारण वर्ष होंगे। इसके अलावा एक और होता है अधिवर्ष और साधारण वर्ष के लिए, एक वर्ष होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष क्या है, तो शताब्दी वर्ष बेटा वो वर्ष हैं जिनमें पीछे ये डिजिट ना दिए जाएं, यानी कि जो सैकड़े में आते हैं, जैसे कि वर्ष 1600 ये शताब्दी वर्ष हैं, वर्ष 1700, वर्ष 1800, वर्ष 1900 ये सभी क्या हैं, हमारे शताब्दी वर्ष हैं। परंतु इनमें बेटा शताब्दी वर्ष में कौन सा हमारा अधिवर्ष है और कौन सा साधारण है, तो इसकी पहचान अलग। बेटा शताब्दी वर्ष में जो हमारा अधिवर्ष होगा, जो हमारा अधिवर्ष होगा वो याद रखिएगा, वो वर्ष पूरा पूरा 400 से कटेगा। कितने से कटेगा, 400 से। अब चार वाली बात नहीं, चार वाली बात है यहाँ के लिए, ठीक है ना। पर शताब्दी वर्ष में जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कटेगा वो हमारा अधिवर्ष होगा, और जो 400 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। क्या वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, तो ये 400 से नहीं कटता है। जैसे अभी समझिएगा कि 1600 अगर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा, ठीक है। परंतु 1700 400 से नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, साधारण होगा, क्या होगा, साधारण होगा। इसी प्रकार 1800 भी 400 से
नहीं कटेगा ये भी क्या होगा, साधारण होगा। 1900 भी नहीं कटेगा ये भी साधारण होगा, परंतु 2000 अगर भाग देंगे 400 का तो कट जाएगा, तो ये क्या होगा, अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। सबसे पहले हमें वर्ष की पहचान होनी चाहिए। तो मैंने वर्ष बताए दो तरह के, एक साधारण और एक अधिवर्ष। बेटा जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कटेगा वो हमारा अधिवर्ष होगा, या शताब्दी वर्ष जो 400 से कटेगा वो अधिवर्ष, और बेटा जो 4 से नहीं कटता या 400 से नहीं कटता तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है उसको लेकर कि क्वेश्चन में क्या होगा। जैसे अभी क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। बेटा ये 2005 का पूरा कैलेंडर, जैसे जनवरी में जो दिन है, फरवरी में जो दिन है, सेम टू सेम पूरा का पूरा कहाँ प्रयोग होगा, होल कैलेंडर रिपीटेड की बात करता है, तो ये कहाँ रिपीट करेगा इसकी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये है कि उस वर्ष को हम भाग देंगे 4 से। वर्ष को 4 से भाग देने पर आपका जो शेषफल आएगा, हमें मतलब रहेगा यहाँ शेषफल से। बेटा शेषफल क्या प्राप्त हो सकता है, तो आप कहोगे सर शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी। ठीक है, शेषफल 1, 2, 3 आ जाएगा। और ये सभी किताबों में एक टेबल भी दिया जाता है, सभी टीचर्स भी कराते हैं, पहले देखते हैं ये टेबल क्या है। जैसे कि अभी मान के चलिए वर्ष का रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पर उस वर्ष में हम 28 ऐड कर देंगे, 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अगर शेषफल 1 है तो हम उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो वो वर्ष 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 2 है तो 11, 3 है तो 11, यानी कि 0 के लिए 28, 1 के लिए 6, 2 के लिए 11 और 3 के लिए भी 11। इसका प्रयोग सभी बच्चे करते हैं, सभी टीचर्स कराते हैं इसे, या ऐसे भी लिखवा देते हैं कि जहाँ रिमाइंडर 0 होता है उसे बोलते हैं हम लीप ईयर। क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा लीप ईयर, और इसे बोलते हैं लीप ईयर प्लस 1, यानी उससे एक ज़्यादा, लीप ईयर प्लस 2, और ये बोल देते हैं हम लीप ईयर प्लस 3। बात वही है, पर क्या बेटा इससे सभी रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आज की वीडियो में आपको यही देखना है कि इससे कहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होता है और कहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो बेटा ये एक एक्सेप्शन केस है कि इसका प्रयोग दो जगह नहीं किया जाएगा, वो अभी आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा कि कहाँ इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बेटा वर्ष क्या है, 2005। 2005 को अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, 1। और आप देखिएगा जहां रिमाइंडर 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, 6। तो हम इस वर्ष में क्या जोड़ देंगे, 2005 में 6 ऐड कर देंगे, तो ये कैलेंडर कहां रिपीट होगा, 2011 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। पर इतना याद रखना, शेषफल 0 है तो 28 ऐड करेंगे, 1 है तो 6, 2 है तो 11 और 3 है तो भी 11 ऐड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का कैलेंडर कहाँ प्रयोग होगा। 2014 को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, 2 आएगा। और मैंने अभी बताया था जहां 2 और 3 आता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, हम 11 ऐड करते हैं, और 11 जोड़ेंगे तो ये कैलेंडर कहां रिपीट करेगा, 2025 में। तो बेटा अभी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि 1997 का कैलेंडर कहां प्रयोग होगा। तो बेटा 4 से भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 1 रिमाइंडर है तो आपको भली भांति पता है कि उसमें हम क्या ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं, और 6 ऐड करेंगे तो ये कहां पर रिपीट करेगा, 2003 में। तो हमारा आंसर होगा 2003। पर बेटा इससे अगला क्वेश्चन है, आप उसे देखिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ये CGL का पूछा गया प्रश्न है, मैक्सिमम बच्चों ने इसे गलत किया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1897 का कैलेंडर कहाँ प्रयोग होगा। तो 4 से अगर भाग दें बच्चे तो रिमाइंडर 1, आपने सीखा कि जहाँ 1 आता है उसमें 6 ऐड कर दो, तो सर जी यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये 1903 में रिपीट करेगा। ज़्यादातर बच्चों ने 1903 आंसर टिक किया, जो कि क्या था, गलत आंसर है बेटा। अब ये गलत आंसर क्यों है वो समझते हैं कि गलत आंसर क्यों आ रहा है। देखिए मैंने इससे पिछला प्रश्न आप देखिएगा, तो मैंने कहा है 1997,
बात सही है 6 ऐड किया 2003, ये मैं कह रहा हूं सही है, परंतु ये क्वेश्चन जाए तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, गलत है। बेटा क्यों गलत है पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए वर्ष पीछे क्वेश्चन में 1997 था, 4 से भाग दिया रिमाइंडर यहां भी एक और 6 ऐड किया तो ये आ गया 2003। ये मैं कह रहा हूं सही है, ये गलत क्यों इस बात को समझिएगा। मैंने अभी बताया था बेटा जो टेबल है उसमें एक्सेप्शन केस है, दो जगह प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते और कहां नहीं करते वो चीज समझिएगा। बेटा अभी मैंने बताया था एक होता है हमारा शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष आपको ये देखना है कि यहां से यहां तक जब हम चल रहे हैं 1897 से 1903, तो बीच में एक शताब्दी वर्ष आएगा, और वो शताब्दी वर्ष क्या होगा। आप 1897 से जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक बात बताइएगा, आगे जाएंगे तो क्या आएगा 1898, 1899 और फिर आएगा क्या 1900। ये शताब्दी वर्ष, ठीक है। यहाँ पे शताब्दी वर्ष जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 1900, और यहाँ पे शताब्दी वर्ष जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2000। अब बच्चे इसमें एक बात समझना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सही है और ये गलत है। तो बेटा अभी इसमें एक बात समझना कि इस शताब्दी वर्ष को ये देखना है कि ये वर्ष साधारण है या अधिवर्ष है। तो हम इसे शताब्दी वर्ष को किससे भाग देंगे 400 से, मैंने बताया था ना शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे, तो वो अगर कट जाएगा तो अधिवर्ष होगा और नहीं कटेगा तो साधारण होगा। तो 1900 400 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये कैसा है बेटा साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है ये साधारण। परंतु 2000 को अगर 400 से भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये कैसा होगा अधिवर्ष। अब समझिएगा बच्चे कि उस टेबल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। पहला एक्सेप्शन केस मैं बता रहा हूँ अभी इसमें बेटा, जहाँ पर उस टेबल को प्रयोग करते समय बीच में शताब्दी वर्ष अगर आएगा और वह शताब्दी वर्ष यदि अधिवर्ष होगा तो उस टेबल का प्रयोग हम कर सकते हैं, वो सही आंसर आएगा। परंतु बेटा जहाँ पर वहाँ बीच में शताब्दी वर्ष आएगा और वो साधारण होगा तो फिर हम उस टेबल से प्रयोग नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन है कि आंसर वहाँ गलत आता है, तो इसी का आंसर इसलिए गलत है। अब आपको ये लग रहा है कि सर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसी के लिए बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। अगले वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगली वीडियो के साथ सभी बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।